डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत आज वर्ल्ड लीडर बनने की कगार पर खड़ा है। दिसंबर 2022 में ही भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रहा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस के अगर टोटल डिजिटल पेमेंट्स को भी मिला दिया जाए तो भी ये भारत के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाया है। डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया के सभी देशों से आगे होने के बावजूद भी भारत का रुपया आज इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन पाया है। आज भी अमेरिका का डॉलर ही दुनिया भर में राज करता है, लेकिन अब धीरे धीरे रुपए को इंटरनेशनल बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। इसकी शुरुआत यूपीआई पेमेंट के सिस्टम से ही की जा रही है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि दुनिया के 10 देशों ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यहां से UPI सिस्टम के माध्यम से प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग भारत में पैसे भेज सकते हैं और ये सिस्टम अप्रैल 2023 तक शुरू भी हो जाएगा। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भारत की जबरदस्त सक्सेस के बाद अब जरूरत है कि भारत के रुपए को भी इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए। इसके लिए भारत बैकग्राउंड में बहुत तगड़े एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। आज पूरी दुनिया एक वैश्विक मंदी से जूझ रही है और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि ये मंदी कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। कई छोटे छोटे देश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। अगर इस वक्त भारत का मास्टर प्लान सही रूप से काम कर गया तो डॉलर के बाद रुपया दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है और कोई करेंसी इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन सकती है। दोस्तों, आज दुनिया भर में लगभग 185 करेंसीज हैं, लेकिन इनमें लगभग सभी का इस्तेमाल केवल अपने देश में ही होता है। देखो, सीधे सिंपल शब्दों में कहें तो इंटरनेशनल करेंसी वो होती है जिसे दुनिया के सभी देश लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अमेरिकी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। आज दुनिया में 75% व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है और जब किसी देश को कोई कर्ज चाहिए होता है तो वो डॉलर में ही लेता है क्योंकि इसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज करेंसी भी थोड़ी बहुत इंटरनेशनल करेंसी की कैटेगरी में आती है। अब सवाल यह है कि आखिर डॉलर इतना मजबूत कैसे बना। साल 1944 में जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब 44 देशों ने अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर से जोड़ने का फैसला किया। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका उसमें सबसे मजबूत देश था और दूसरी बात, उसके पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इससे पहले सभी देश ट्रेड के लिए गोल्ड को इस्तेमाल करते थे। इस समझौते के बाद दूसरे देशों ने भी गोल्ड की जगह अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ दिया। आज अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में अपने एक एक डॉलर के खर्च सोने का हिसाब रखता है। उसे जिसे किसी भी देश पर दबाव बनाना होता है वो उस देश को डॉलर की सप्लाई घटा देता है, जिससे वो देश बाकी दुनिया के साथ कारोबार करने में कमजोर पड़ जाता है। और फिर आज कोई करेंसी इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन सकती है? दोस्तों, किसी भी करेंसी के इंटरनेशनल करेंसी बनने के लिए कुछ जरूरी फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि उस देश की इकोनॉमी स्ट्रेंथ कैसी है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल मार्केट का डेवलपमेंट कैसा है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए वहां की नीतियां कैसी और इंटरनेशनल रिजर्व स्टेटस कितना है। और वो तो इन तमाम चीजों के बाद भी डिपेंड करता है कि आपने अमेरिका से भिड़ने का कितना दम है। और ये कोशिशें रूस और चाइना पहले ही कर भी चुके हैं। 2009 में चीन और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की थी। वो चाहते थे कि एक ऐसी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनाई जाए जिसे कोई अकेला देश कंट्रोल ना करता हो और जो लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में सक्षम। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सका, लेकिन चीन अपनी करेंसी युआन को डॉलर के बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट। दोस्तों, रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने से पहले हमें यह देखना होगा कि भारत कितने देशों के साथ व्यापार कर रहा है और किन देशों के साथ व्यापार करने से फायदा और कहां पर नुकसान हो रहा है। दरअसल, जब से आत्मनिर्भर भारत की बातें हुई हैं तभी से भारत का एक्सपोर्ट मार्केट तेजी से बढ़ा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा भी बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हुआ कि जितना सामान हम दुनिया से खरीदते हैं उतना उनको बेच नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हमको चीन से होता है। ये भारत के हित में कम और चीन के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। 2022 में भारत को चीन के बाद इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई से ट्रेड डेफिसिट रहा है और ऐसे ही लगभग 40 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा व्यापार घाटा हो रहा है। दोस्तों, भले ही हम कितने भी ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन दुनिया से हमारा इंपोर्ट कम होने वाला नहीं है। दुनिया में कोई भी देश हर चीज को नहीं बना सकता। किसी ना किसी चीज के लिए तो उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। और जैसे जैसे हम विकसित होते जाएंगे हमारा इंपोर्ट बढ़ता ही जाएगा। तो इंपोर्ट कम करने के बजाय हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो फिर आप कहेंगे कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने से फायदा कहां पर हो रहा है? दोस्तों, भारत को फायदा भी हो रहा है। दुनिया में 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि उनसे हम सामान खरीदते कम है और बेचते ज्यादा है। सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। वहीं बांग्लादेश, नेपाल, हांगकांग, नीदरलैंड, पाकिस्तान, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों के साथ व्यापार में भारत को ही फायदा है और यहीं पर भारत के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि चीन और सऊदी अरब जैसे देश भारत से रुपए में ट्रेड करने के लिए आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे देश जिनके साथ भारत का टेंडर सरप्लस में रहता है वो देश भारत की बात मान सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट इसी मास्टर प्लान पर काम कर रही है। दरअसल, सरकार का ये टारगेट है कि 2047 तक यानी
कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब रुपए को इंटरनेशनल करेंसी में दूसरी करेंसी के बराबर ताकतवर बना दिया जाए। रुपए इंटरनेशनल करेंसी कैसे बन सकता है? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी कई संस्थाओं ने साल 2023 को दुनिया के लिए अच्छा नहीं बताया है। इस साल दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की हालत खराब चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि छोटे देश भी इस मंदी का शिकार होंगे और इसका नतीजा हमें देखने को भी मिल रहा है। जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे कई छोटे छोटे देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इन देशों के पास डॉलर की कमी है, इस वजह से दुनिया के दूसरे देशों से कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरे देश वो हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है और उनके पास भी डॉलर की कमी है, जैसे कि रूस। रूस ने प्रतिबंध के बाद चीन और भारत से सबसे ज्यादा व्यापार किया है और ये व्यापार डॉलर में ना होकर लोकल करेंसी में हुआ है। तो भारत इन दोनों ही प्रकार के देशों के साथ रुपए में ट्रेड कर सकता है। इसके लिए भारत ने वॉस्ट्रो अकाउंट सिस्टम शुरू किया है। वॉस्ट्रो सिस्टम को आप भारत को रूस के उदाहरण से समझ सकते हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो मान लीजिए कि रूस ने भारत के किसी सेंट्रल बैंक में अपना वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करवाया। अभी भारत उस तेल की पेमेंट इंडियन रुपी में उस वॉस्ट्रो अकाउंट में कर देगा। अब उन पैसों से रूस को जो भी चीज चाहिए वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर लेगा। वहीं रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद तो उसने भारत को अपने जरूरी सामानों की लिस्ट भी भेजी है, जिसमें गाड़ी मोटर के पास से एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर के पार्ट समेत कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इतने रुपए से भारत से सामान खरीद सकता है। दोस्तों, भारत के सिस्टम को दुनिया के कई देश पसंद भी कर रहे हैं। RBI अब तक 18 वॉस्ट्रो अकाउंट खोल चुका है, इनमें से अकेले रूस के लिए 12 अकाउंट्स खोले गए हैं। वहीं डॉलर की कमी से जूझ रही श्रीलंका ने भी 5 अकाउंट खुलवाए हैं और एक अकाउंट मॉरिशस के लिए खुल चुका है। यानी कि अब तक इन तीन देशों में भारत का रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में काम करेगा और वहां जाकर आप कोई भी चीज रुपए में खरीद सकेंगे। इसके अलावा तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी ऐसे देश हैं जिनके पास डॉलर की कमी है और इन देशों ने भी भारत के सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में RBI वहां भी अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खोल ले। भारत छोटे देशों से ही नहीं बल्कि बड़े देशों के साथ भी कोशिश कर रहा है। UAE और सऊदी अरब के साथ बातचीत चल रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके लिए RBI ने एक कंसेप्ट पेपर तैयार किया है। UAE का सेंट्रल बैंक इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है और आगे जाकर इस मैकेनिज्म से भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर सकता है। रुपए के इंटरनेशनल होने से भारत को क्या फायदा होगा? दोस्तों, अगर रुपए में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है तो इससे हमारे लिए इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा, साथ ही साथ देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन देशों के साथ भी व्यापार किया जा सकेगा जिनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। जब हमारा रुपया इंटरनेशनल बन जाएगा तो रशिया और ईरान जैसे देश में हम उस देश में रुपयों में ही चीजों को खरीद सकेंगे। साथ ही साथ जब रुपए में व्यापार बढ़ जाएगा तो फिर हमें विदेशी मुद्रा भंडार की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। आज RBI को विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को बचाकर रखने के लिए काफी सारे प्रयास करने पड़ते हैं। जब कभी भी डॉलर में उतार चढ़ाव आता है तो उससे रुपया कमजोर हो जाता है और इसको मैनेज करने के लिए RBI को डॉलर बेचने पड़ते हैं। हालांकि अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है, लेकिन जिस प्रकार से दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस रहा है तो आगे क्या होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि भारत अभी से सही कदम उठाना शुरू कर दे। खैर दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत इस मास्टर प्लान के साथ क्या अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बना पाएगा। वहीं ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।